माननीय सभापति महोदय, आपने खनिज बिल संशोधन विधेयक 2020 में बोलने का मौका दिया है। माननीय मंत्री जी ने जो खनिज अधिनियम 1957 है और अधिनियम 2015 है, उसमें और संशोधन करने के लिए बिल लाए हैं। इन्होंने तमाम क्लाज बताए हैं। देश को आवश्यकता है कोयले भंडार की, जिससे कि हम विदेश से न खरीदें, लेकिन कुछ हमें थोड़ा सा शंकाएं। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था और अंग्रेज लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने व्यापार करने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी, वो व्यापार करते करते पूरे देश में कब्जा कर लिया और सैकड़ों साल तक हमारे देश में राज किया। तो हमारा इसमें सुझाव ये है कि जो विदेशी कंपनियाँ आएंगी, ये इसमें ऑप्शन में भाग लेंगी, तो उनके लिए कैसे कंट्रोल करेंगे, उनका क्षेत्र क्या रहेगा। हमारे यहाँ तमाम जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, हमारे देश में तमाम उग्रवाद नक्सली क्षेत्र भी हैं, वहीं पे माइंस मिनरल के क्षेत्र हैं, वहाँ कैसे, जब विदेशी लोगों का वहाँ इंटरफियर रहेगा तो कैसे उनको कंट्रोल करेंगे, वैसे हमारी आंतरिक व्यवस्था को और ख़राब करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। और जो देश में हमारे बेरोजगारी है, उसमें क्या शर्त रहेगी कि इंडिया के लोगों को ही रोजगार देंगे, उसके लिए कैसे क्या 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 प्रावधान करेंगे। और इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि पर्यावरण का असर होगा, वहाँ जो आसपास रहने वाले किसान हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं, अब विदेशी कंपनियों पे कैसे कंट्रोल करेंगे कि हमारे किसानों का हित सुरक्षित रहे, उनको कोई नुकसान ना हो। वन संपदा को, जो हमारी वन संपदा है, उसका नुकसान हो चुकी, वैसे भी क्लाइमेट खराब हो रहा है पूरे देश का और वर्षा कम हो रही है और प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा हम बात करना चाहते हैं कि जब हमारे पास कोल इंडिया कंपनी है, उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, और जो हमारे देश की कंपनियां हैं जो कोल माइंस में काम करती हैं, उनको मजबूत, देसी कंपनी को मजबूत करने के लिए सरकार को उपाय करना चाहिए। और जो इनलीगल माइनिंग है पूरे देश में, जहाँ जहाँ कोल माइंस है वहाँ इनलीगल माइनिंग हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। हम लोग ऐसे बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में पन्ना है, वहाँ पर डायमंड का जो कालिंजर, हमारा बांदा में कालिंजर है, वहाँ डायमंड के लिए, उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और सोनभद्र और ललितपुर में जो है सोने की खान है, उसके लिए भी प्लानिंग करना चाहिए कि जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और उसके लिए विशेषज्ञों को लगा करके, वहाँ वैज्ञानिकों को लगा करके खोज करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश मजबूत हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ बात करूँगा, धन्यवाद। थैंक यू।